चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। पूज्य संत जन, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपको कुछ सुनाकर आनंदित करूँ मैं इस योग नहीं, क्योंकि आप मुझसे विशेष हैं। सज्जन वृंद जो उपस्थित है, संभवतः ये सबके सब कई दिनों से मेरे कथन को सुन रहे हैं। इनसे भी कुछ विशेष कहना नहीं है, केवल कही हुई बातों को पुनः कहकर इन्हें स्मरण दिलाना है। मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी थी कि जहाँ रहो सत्संग करो। सत्संग की विशेषता पर अपने देश में घटित प्राचीन काल की एक कथा है। गोपी चंद एक राजा थे। उनकी माता बहुत बुद्धिमती और योग की ओर जाने वाली साधिका थी। वे योग जानती थी और करती भी थी। उनके हृदय में ज्ञान, योग और भक्ति भरी थी। गोपी चंद वैरागी हो गए। गुरु ने कहा, अपनी माता से भिक्षा ले आओ। वे माता से भिक्षा लेने गए। माता जी बोली कि भिक्षा क्या दूँ, थोड़ा सा उपदेश लेकर जाओ। वह यह है बहुत मजबूत किले गढ़ के अंदर रहो, बहुत स्वादिष्ट भोजन करो और मुलायम सैया पर सोओ। यही भिक्षा है, जाओ। गोपीचंद बोले, आपकी ये बातें मेरे लिए पूर्णतः विरुद्ध हैं। माता जी बोली, पुत्र तुमने समझा नहीं, मजबूत गढ़ सत्संग है। इससे दूसरा और कोई मजबूत गढ़ नहीं है। जिस गढ़ में रहकर काम क्रोधाधिक विकार सताते हैं, जिससे मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता और वह पशु एवं निशाचर की तरह हो जाता है, वह गढ़ किस काम का। संतों का संग ही ऐसा गढ़ है जिसमें रहकर विकारों का आक्रमण रोका जा सकता है और उनका दमन करते करते नाश किया जाता है। फिर सुस्वादु भोजन तथा मुलायम सैया के लिए माता बोली, कैसा ही सुंदर स्वादिष्ट भोजन क्यों न हो, भूख नहीं रहने से वह स्वादिष्ट नहीं लगेगा। इसलिए खूब भूख लगने पर खाओ। मुलायम विषामन वह है कि जब तुमको खूब नींद आवे तब तुम कठोर व कोमल जिस किसी भी बिछौने पर सोओगे वही तुम्हें मुलायम मालूम पड़ेगा। यह शिक्षा सबको धारण करने योग्य है। गुरु महाराज कहते थे, जहाँ रहो सत्संग करो, स्वयं सीखो और जहाँ तक हो सके दूसरे को भी सिखाओ, जिससे उनको भी लाभ हो। लोगों की इच्छा ऐसी है कि दुख भागे और सुख ही सुख मिले। साधारणतः जो मन और इंद्रियों को सुहाता है उसे सुख और जो नहीं सुहाता उसे दुख कहते हैं। मन और इंद्रियों को सुहाने वाले पंच विषय हैं। लोग इन पंच विषयों को भोगते हैं किंतु संतुष्ट नहीं होते हैं। संतों ने कहा है कि विषय सुख में सुख नहीं है। तुम स्वयं सुख स्वरूप हो। मन बुद्धि आदि इंद्रियों से अगम केवल आत्मगम्य परमात्मा नित्य सुख का समुद्र है। विषय सुख क्षणिक और अनित्य है, परमात्मा नित्य है।
उसको प्राप्त करने से नित्य सुख मिलेगा। इसलिए उनकी भक्ति करो। भक्ति का अर्थ है भजन सेवा। जिसकी भक्ति करेंगे वह पदार्थ रूप में कैसा है यह नहीं जानने से उसकी सेवा भक्ति नहीं की जा सकती। परमात्मा स्वरूप क्या है इस विषय पर कई दिन तक कह चुका हूँ, फिर भी समास रूप में कहता हूँ। इंद्रियों के द्वारा नहीं, जिसको आप स्वयं चेतन आत्मा पहचाने वह परमात्मा है। आप शरीर और इंद्रिय नहीं हैं। शरीर और इंद्रियां आपकी हैं। इनका संग छोड़कर अकेले हो जाइए, तब जो पहचानेंगे वह परमात्मा है। उस परमात्मा की भक्ति कैसे हो? जैसे गंगा जी स्नान करने अथवा किसी विशेष देवालय में लोग जाते हैं तो यह जाना गंगा तथा देवालय में देवता की भक्ति है। वैसे ही अपने को जब आप शरीर और इंद्रियों से छुड़ा सकेंगे तभी परमात्मा को पाएंगे। यही भक्ति है। इसके लिए गमन करना होता है। शरीर और इंद्रियों से ऊपर उठना यही गमन है। जाना है प्रभु सर्वव्यापी है, किंतु यहाँ उन्हें पहचान नहीं सकते। यहाँ पहचान हो जाती तो कहीं जाना नहीं पड़ता। यहाँ हम इंद्रियों के संग रहते हैं इसलिए पहचान नहीं सकते। आप पर रंगीन चश्मा लगाने आँख पर रंगीन चश्मा लगाने से संसार के पदार्थ उसी रंग के मालूम होते हैं जिस रंग का वह चश्मा है, या आँख पर पट्टी लगाने से कुछ भी नहीं देख सकते। हमारे ऊपर जड़ का आवरण है, इसके रहने से कुछ सूझता ही नहीं है। इंद्रिय रूप चश्मा लगा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के वचनानुकूल, गौ गोचर जह लगि मन जाई सो सब माया जानहु भाई। हरे पीले जो देखने में आते हैं सभी माया है। परमात्मा को पहचानने की शक्ति उस चश्मे में नहीं है। उस चश्मे को उतार कर देखो। जिस प्रकार रज्जु में सर्प का भ्रम होता है उसी प्रकार ब्रह्म में जगत का भ्रम होता है। यह शंकर स्वामी के ज्ञान के अनुकूल तथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी के अनुकूल कहा है। रजत सीप मह भास जिमी जथा भानुकर वारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सो भ्रम न सकय कौटारी। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत देत दुख अहई। जब तक पूर्व कथित पट्टी और चश्मे नहीं उतारेंगे तब तक उपर्युक्त भ्रम दूर नहीं होगा। इन पट्टी और चश्मे से ऊपर होना है। हम पर चश्मा और पट्टी नहीं रहे, हम अकेले रहें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। केवल यही रहे। सो माया बस भय गुसाई, बंधे कीर मर कट की नाई। चेतन आत्मा पर यह वश्यता नहीं रहे तब वह परमात्मा स्वरूप को पहचान सकती है। इन आवरणों से छूटने के लिए चेतन आत्मा को जहाँ जाना होगा वहाँ उसे जाना चाहिए। संतों ने कहा, बाहर में जहाँ जाओगे शरीर और इंद्रियों के साथ जाओगे। अपने अंदर जाने से शरीर और इंद्रियों से छूटते हुए जाओगे और अंत में पूर्ण रूपेण इनसे छूट जाओगे। इसके लिए जागृत और स्वप्न की स्थिति पर विचार करो। जागृत में रहने पर बाहर संसार के कामों को करते हैं, स्वप्न में बाहर की कोई इंद्रिय बाहर में कुछ काम नहीं करती। मुंह में मीठा डालने पर भी स्वाद मालूम नहीं होता। जग जाओ तब मीठा लगेगा। इसका यह कारण है कि जागृत में चेतन धारा इंद्रियों के घाटों पर रहती हुई काम करती है
और स्वप्न में बाहरी इंद्रियों के घाटों से सिमट कर अंतर्मुख हो मनोमय कोष में रहती है और वही काम करती है। फिर जागृत अवस्था में स्वाभाविक ही वह बाह्य इंद्रियों के घाटों पर आ जाती है। अंदर में चेतन वृत्ति के प्रवेश करने पर बाहर की इंद्रियों से छुट्टी मिलती है, यह इसका नमूना है। अन्य का थोड़ा नमूना दिखाकर लाखों मन का दाम करके बेचते हैं, उसी प्रकार संत लोग नमूना दिखाते हैं। जागृत से स्वप्न में जाने से तुम बाह्य इंद्रियों से छूट जाते हो। यदि और अंदर में धसो और अंतर के अंत तक पहुँचो तो कहना ही क्या, स्थूल और सूक्ष्म सब इंद्रियों से छूट जाओगे। इसी अंतर्गमन के विषय में तुलसी साहब ने कहा है, यह नयन शयन सुचैन सुंदरी साज श्रुति पियु पैचली गिरी गबन गोह गुहारी मारग चढ़त गगन गगनागली जहाँ ताल तट पट पार प्रीतम परसिपद आगे अली घर घट घोर सोर सिहार सुनिक सिंध सलिता जस मिली। यह भेद की बात है और अंदर में चलने के लिए विषय का वर्णन किया गया है। बाहर में खूब पूजा करें आरती उतारें किंतु इससे भीतर में प्रवेश नहीं कर सकते। नैवेद्य पुष्प धूप दीप लेकर मन को उपास्य देव की ओर एक ओर करते हैं। यदि कोई दूसरा ख्याल नहीं रहे तो मन अवश्य एक ओर होता है, स्तुति करने में भी एक ओर होता है, जप में भी यही बात होती है, बल्कि स्तुति से जप में विशेष सिमटाव होता है। कारण यह कि स्तुति करने में बहुत शब्द उच्चारण करने पड़ते हैं, जप में केवल एक ही शब्द को जपते हैं। पूजा कोटि समम अस्तोत्रम, अस्तोत्रम कोटि समम जपह, जाप कोटि समम ध्यानम, ध्यानम ध्यान कोटि समोलयः। पूर्ण सिमटाव होने से स्थूल सूक्ष्मादि आवरणों का छेदन होता है। महाकारण रूप आवरण के छूटने से जड़ के सभी आवरण उतर जाते हैं। अब अपनी ओर अपने प्रभु की पहचान होती है, तब प्रभु हेराया हुआ नहीं रहेगा। इसी का विचार हमारे गुरु महाराज करते थे और मैं भी इसी का करता हूँ। इसी का प्रचार हमारे गुरु महाराज करते थे और मैं भी इसी का करता हूँ और इसी विषय को जहाँ जाता हूँ सुनाता हूँ समझाता हूँ। किंतु यदि किसी तरफ जाना चाहे और पीछे को पिछाड़ता रहे तो निर्दिष्ट स्थान तक कोई कैसे पहुंच सकता है। बाबा नानक ने कहा, सूचे भारे सांचु समावे विरले सूचाचारी, चलना चाहे पवित्रता में और पिछड़े और पवित्रता की ओर तब उस ओर कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए सदाचारी बनो पवित्र बनो, यानी व्यभिचार चोरी नशा हिंसा और झूठ इन पांचों पापों को मत करो। यह संयम है सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, एक ईश्वर पर अचल विश्वास और पूर्ण भरोसा करो। ऐसा नहीं कि मोर दास का ही नर आशा करई तो कहाँ विश्वासा। प्रभु अपने अंदर में पहले मिलेंगे, फिर सर्वत्र एक बार प्रत्यक्ष मिलने पर फिर वह मिलन कभी नहीं छूटेगा। अन्य सभी पदार्थ मिलकर छूटते हैं किंतु यह कभी छूटता नहीं, यह साक्षात्कार बराबर बना रहता है। कबीर साहब को यह प्राप्त था, वे कहते हैं, नो पल विछुरे पियारे हमसे, नो हम विछुरे प्यारे से, ध्यानाभ्यास करो
त्रैकाल संध्या प्रसिद्ध है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन करो, दिन में स्नान के बाद करो। स्नान करने से मस्तिष्क ठंडा रहता है, इस ठंडे मस्तिष्क में भजन अच्छा बनेगा। फिर सायंकाल पैर हाथ धोकर भजन करो, फिर दूसरा काम करो। रात में सोते समय 2 मिनट भी भजन करके उसमें मन लगाते हुए सो जाओ तो बुरा स्वप्न नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सब कामों को करते हुए भजन में मन लगाते रहो, तन काम में मन राम में। संत पलटू साहब ने कहा, कमठ दृष्टि जो लावै सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा सेवै, आप रहे जलमाही सूखे में अंडा देवै। जस पर निहारिन कलश भरे मार्ग में जावै, कर छोरे मुख वचन चित कलशा में लावै। फनी मणि धरे उतारे आप चरने को जावै, वह गाफिल ना परे सुरत मणि माही रहावै। पलटू कारज सब करे सुरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावै सो ध्यानी परमान। बंगाल में बाउल नाम के एक संप्रदाय के साधु होते हैं। वे एक हाथ से तंबूरा और दूसरे हाथ से करताल बजाते हैं और मुंह से गाना भी गाते हैं। इसी तरह संसारी जीव, तुम भी दोनों हाथों से संसार के सब काम करते जाओ और सुख से भगवान का नाम जपा करो, चूको मत। रामकृष्ण परमहंस जी, मतलब यह कि काम करते और चलते फिरते हुए भी किसी न किसी तरह जप या मानस ध्यान द्वारा उस ओर आपका ख्याल लगा रहे। जो कहते हैं कि भजन करने के लिए मुझे समय नहीं है, यह बहुत गलत बात है। गप सप करने के लिए समय है, सिनेमा देखने के लिए समय है और भजन करने के लिए समय नहीं है, यह बहुत गलत बात है। फिर सबकी जड़ है गुरु की सेवा करो, फिर सबकी जड़ है गुरु की सेवा करो। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास पूर्ण भरोसा, तथा अपने अंदर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखो और नित्य सत्संग करो। इन पांचों को करो और पहले के कहे पांचों को छोड़ो। यदि भूल से 5 पापों में से कोई हो जाए तो झूरो पछताओ। ईश्वर से प्रार्थना करो कि फिर ऐसा कर्म मुझसे नहीं बने। स्वयं सचेत रहो और पापों से बचने के लिए शक्ति लगाओ। मन पवित्र करो, क्योंकि पवित्र मन वाले को ही समाधि लगती है। सहज विमल मन लागी समाधि, चंचलता में दुख होता है, स्थिरता में सुख है। ध्यान में स्थिरता होती है, इसमें सुख मिलता है। इसी स्थिरता में सुख पाते हुए अपने अंतर में प्रवेश होता है। अपने भीतर में जाने के लिए खुलासा यह है कि मन को एक ओर करो। जप ध्यान से मन एक ओर होता है, स्तुति से विशेष जप में, जप से विशेष ध्यान में मन की एक ओरता होती है। ध्यान से पहले रूप का फिर अरूप का होता है। इष्ट मूर्ति का ध्यान करो, इसमें मन को लगाओ, इसके आगे बढ़ो, सूक्ष्म ध्यान करो। सबसे सूक्ष्म रूप कौन है? एक तस्वीर बनाओ। सबसे पहले क्या हुआ? पेंसिल रखते ही एक छोटा चिन्ह हुआ, उसी चिन्ह को इधर उधर करने से रूप बना, तो वह प्रथम चिन्ह अर्थात बिंदु ही सब रूपों का बीज हुआ। किंतु यह तो माना हुआ बिंदु है, परिणाम रहित यथार्थ बिंदु वह है जिसका वर्णन ध्यान बिंदु उपनिषद के इस श्लोक में है। बीजा अक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपर स्थितम, स्वशब्दम चाक्षरे छीने निःशब्दम परमम पदम। जिसे परम बिंदु कहा गया है उसे पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं।
जिसे परम बिंदु कहा गया है उसे पेंसिल से नहीं लिख सकते? हाँ, दृष्टि की पेंसिल से लिख सकते हैं। जहाँ दृष्टि का अपार खत्म जहाँ दृष्टि की पसार खत्म हो जाएगा, उसकी धारा का जहाँ अटकाव हो जाएगा, वही परमात्मा का अनुर्णयाम रूप उदय हो जाएगा। जब तक यह नहीं होता, तब तक मन को संभालने में बड़ी कठिनाई मालूम होती है। दृष्टि संभाल कर रखनी चाहिए, तब ज्योतिर्बिंदु का उदय होगा। ऐसा ध्यान करो, वह सूक्ष्म रूप ध्यान हुआ। इतना ही नहीं, उसके बाद रूपातीत ध्यान अर्थात नाद ध्यान करना होगा। जिसको बिंदु प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए यह अंतर्नाद खुल जाएगा। उस नाद को ग्रहण कर परमात्मा तक पहुँचना होगा। नाद परमात्मा से स्फुटित है और उनसे लगा हुआ है। इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। बहुत लोग केवल गाने और बजाने में ही परमात्मा की प्राप्ति और मुक्ति मानते हैं, परंतु केवल गाने बजाने से ही मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे मृदंग बजाए, मुक्ति न होवे साखी पढ़ बोले, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, मुक्ति न होवे तीर्थ डोले, गुप्त जाप जाने जो कोई कहे कबीर मुक्त भल सोई। गुप्त जप के लिए ऐसा कहा गया है, जाप अजपा हो सहज धुन परख, गुरु गम धारिये होत ध्वनि रसना बिना, कर माल बिनु निवारिये। कबीर साहब, मुख कर की मेहनत मिटी, सतगुरु करी सहाय, घट में नाम प्रकट भया, बक बक मरे बलाय। सहजे ही धुन होत है हरदम घट के माह, सुरत शब्द मेला भया बिछुरत कब हो नाह। कबीर साहब, संतों का अजपा जप है। स्वामी शंकराचार्य जी ने भी कहा है, भेरी मृदंग शंख द्यात नादे मनह क्षणम रमते, किम पुनर्ना हते अस्मिन मधु मधुरे अखंडिते स्वच्छते। प्रबोध सुधाकर नादानुसंधान। मन तो भेरी मृदंग और शंख आदि के आघात्य जन्य नादों में भी एक क्षण के लिए मग्न हो जाता है, फिर इसी मधुवत मधुर अखंडित और स्वच्छ अनाहत नाद की ओर बात ही क्या है। नादानुसंधान से बढ़कर कोई साधन नहीं है। यह ऐसा सहारा है कि हम नहीं पकड़ेंगे, शब्द ही हमको पकड़ लेगा। जैसे चुंबक से लोहा पकड़ा जाता है, चुंबक से लोहे को लोग अलग भी कर सकते हैं, किंतु इस शब्द से पकड़े जाने पर शब्द से सूरत को कोई छुड़ा नहीं सकता। चाहे उसको बाघ पकड़े या उस पर बम गोला बरसे, शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना भागी, उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी ताड़ी लागी। कबीर साहब, सोवत जागत उठत बैठत टूक विहीन नहीं तारा, झिनझिन झिनझिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। दरिया साहब बिहारी, यदि कहा जाए कि साधन एक शरीर में समाप्त नहीं होगा, तो साधन का कष्ट व्यर्थ ही किया जाएगा। तो इसके उत्तर में कहा है कि एक देह में किए गए साधन का संस्कार दूसरी देह में पुनः जागृत होता है। इसलिए एक देह में साधन समाप्त नहीं होगा, तो दूसरी व तीसरी देह में कभी न कभी अवश्य समाप्त हो जाएगा। साधन में सफल होने के लिए कितने लोग कृपा मांगा करते हैं, किंतु कृपा केवल मांगने से नहीं होगी, कृपा पात्र बनना चाहिए। तब बिना मांगे ही कृपा मिलती रहेगी। टीले पर पानी बरसने से भी गहरे में जाकर पानी जमा होता है, इसलिए अपने को पात्र बनाओ। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं। कबीर साहब के बताए अनुकूल चलो। अवधू भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे,
घर में जोग भोग घर ही में घर तज वन नहीं जावे। वन के गए कल्पना उपजे तब धो कहाँ समावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में जो गुरु अलख लखावे। सहज सुन्न में रहे समाना सहज समाधि लगावे। उन मुनि रहे ब्रह्म को चिन्हय परम तत्व को ध्यावे। सुरत निरत सो मेला करके अनहद नाद बजावे। घर में बसत वस्तु भी घर है घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अवधु ज्यों का त्यों ठहरावे। संसार में कैसे रहोगे अब यह भी सुनो। संसार में महात्मा गांधी के समान रहो अर्थात संसार के भी सब कामों को करो और परमार्थ के साधन को भी निभाते जाओ। इसलिए महात्मा के निधन होने पर सब राष्ट्रों ने अपना झंडा झुकाया। अमेरिका इंग्लैंड तथा रूस आदि सभी राष्ट्रों ने झंडा झुकाया। हम लोगों को स्वराज मिला है किंतु सुराज नहीं। यहाँ चोरी घुसखोरी और नैतिक पतन आदि वर्तमान है। यहाँ चोरी घुसखोरी और नैतिक पतन आदि वर्तमान हैं जिनसे जनता में दुख फैला हुआ है। इनसे बचने के लिए संत मत उपदेश करता है। कानून से नैतिक पतन छूट नहीं सकता। कानून चलता ही है और घूस फूस चलते ही हैं। जहाँ झूठ नहीं वहाँ घूस कहाँ से आवे। इसलिए सदाचार का पालन करो। सदाचार के पालन से स्वराज में सुराज हो जाएगा। हमारा देश द्रव्य के लिए महाकंगाल है लाचारी है। कमाओ जमा करो किंतु सच्ची कमाई करो। हम देखते हैं कि शब्द के लिए भी हम कंगाल हो गए हैं। अपनी भाषा से अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकते। अपने शब्दों को भूल गए। हम लोग हिंदू नहीं हमारी भाषा हिंदी नहीं और हमारा देश हिंदुस्तान नहीं। हिंदू हिंदी और हिंदुस्तान ये तीनों शब्द हमारे देश की भाषा के शब्द नहीं है। दूसरी बात है कि अपनी भाषा में दूसरी की भाषा को फेंट कर नहीं बोलो। आजकल ऐसा हो गया है कि जो एक अक्षर भी अंग्रेजी लिखना पढ़ना नहीं जानता है वह भी अपनी भाषा में अंग्रेजी शब्दों को मिला मिला कर बोलता है। यहाँ तक कि घर की माई दाई भी समय के स्थान पर टाइम बोलती हैं। टाइम नहीं बोल सकती है तो टेम बोलती हैं। यह बात अच्छी नहीं। सब कोई सदाचार का पालन करो सब दुख भाग जाएंगे। हमारे गुरु महाराज ने 1909 ईस्वी में कहा था पहले आध्यात्मिकता का पद है तब सदाचार फिर सामाजिक नीति अंत में राजनीति का पद है। तात्पर्य है कि आध्यात्मिकता की ओर चलने से सदाचार का पालन करना अवश्य होगा। समाज के लोग सदाचारी बन जाएंगे तो सामाजिक नीति अच्छी हो जाएगी और राजनीति सामाजिक नीति जब अच्छी होगी तो राजनीति कभी बुरी नहीं हो सकेगी। वह आप सुधर जाएंगी। अपने देश तथा हम सारे संसार को गुरु महाराज के उपर्युक्त उपदेश को जानना और पालन करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो स्वराज में सुराज नहीं आ सकता। यह बात सब लोग दृढ़ता से जान लें। यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत रोहतास जिले के सासाराम में दिनांक 13/1/1953 ईस्वी के रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।